नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बुलेटिन का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से। लखनऊ से 3,666 करोड़ की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। वहीं इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का लोकार्पण भी होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में यूपी दर्शन पार्क, राजा राम पार्क, हैप्पीनेस पार्क, राष्ट्र प्रेरणा स्थल और जनेश्वर मिश्र पार्क में लाइट एंड सॉन्ग शो का भी लोकार्पण किया जाएगा। 104 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड का भी लोकार्पण किया जा सकता है और इसके अलावा प्रदेश से जुड़े अनेक विकास परियोजनाओं को लेकर लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से संबंध में देर रात तक तैयारियां भी की जा गई और इस कार्यक्रम में लखनऊ के सभी विधायक, लखनऊ से जुड़े हुए मंत्री, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, सभी MLC मौजूद रहे। विधान परिषद चुनाव में भाजपा और सहयोगी दल के प्रत्याशियों ने सोमवार यानी आज नामांकन फाइल किया है। वहीं सहयोगी दलों के 3 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक और राज्य सरकार के कई मंत्री और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सुभाषपा की ओर से बिच्छे लाल राजभर और रालौ से योगेश ने नामांकन किया। चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे में लगातार पार्टियों की सीटों को लेकर मीडिया जगत में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है और अब सभी दल अपने अपने हिस्से में वोट्स और प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। इसी बीच एक खबर ने पूरे मीडिया जगत की निगाहों को थाम रखा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है और इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि मऊ से बिच्छेलाल राजभर को पार्टी ने MLC चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। जहां पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने कहा कि उनका संगठन आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में सपा और इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल पसमांदा मुसलमानों को उनका वाजिब हक नहीं दे रहा है और इसकी लड़ाई भी वह आगे लड़ते रहेंगे। अनीस मंसूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमांदा मुसलमानों को लेकर चिंता तो जताई पर उनके लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। भाजपा सरकार मुसलमानों को 5 किलो राशन देकर गुमराह करने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जल्द ही चुनाव होने को है, ऐसे में पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। फिर चाहे NDA गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन, सभी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। फिलहाल तब से लेकर अब तक कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहती है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फिरोज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के खिलाफ तंज कसते हुए कहा कि मायावती अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए के प्रयास में है, जिसे साफ जाहिर होता है कि मायावती भाजपा को जिताना चाहती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम प्रत्याशी को अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ने में प्रत्याशी उतारने में लगी हुई है।
दोनों पार्टी से जब मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे तो भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। मुस्लिम समाज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो मायावती को भी गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी ढूंढ रही है, बहुजन समाज पार्टी जब मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी तो उससे पीडीए परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुजन समाज पार्टी इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। अगर आपको प्रत्याशी उतारनी है तो ठाकुर समाज से उतारिए। ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिससे आप उतार सकती हैं, मुस्लिम ही क्यों, मुस्लिम परिवार ही क्यों आप चुन रही हैं हर जगह से? देखिए, जब मुस्लिम प्रत्याशी उतरेगा तो मुस्लिम प्रत्याशी के उतरने के बाद सामने भी हो सकता है पीडीए परिवार से मुस्लिम प्रत्याशी हो। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा अपनी कैबिनेट सहित 133 सदस्यों का डेलीगेशन अयोध्या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचा, जहां दर्शन करने से पहले एयरपोर्ट पर सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि इस अयोध्या नगरी में आकर मन प्रसन्न हो गया है। इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे तो टेंट में किए थे और अब भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। बता दें कि कैबिनेट सहित 133 सदस्यों का डेलीगेशन अयोध्या के दशरथ कुंड पर 100 करोड़ से बनने वाली माहेश्वरी समाज की धर्मशाला में भूमि पूजन समारोह में पहुंचे हैं और इसके बाद वे रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले के रैदोपुर ऑफिसर्स कॉलोनी के आनंद मार्ग प्रचारक संघ भवन में धार्मिक अनुष्ठान भंग करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आचार्य ज्योतिषमान ब्रह्मचारी ने नगर कोतवाल के ऊपर अभद्रता करने का आरोप लगाया है कि भोर के समय भी साधक योग में लीन थे, उसी वक्त नगर कोतवाल आए और मेरे साथ धक्का मुक्की और अपशब्दों का प्रयोग करने लगे, साथ ही पूजा में प्रयोग हो रहे साउंड सिस्टम को उठाकर ले जाने लगे। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। सभी सन्यासियों ने शिकायत पत्र सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। ससी मौली पांडे जी थे यहाँ जी कोतवाली में रहते हैं, तो उनसे मैं बोला कि अभी साधना पूजा चल रहा है तो अभी अंदर प्रवेश थोड़ा वर्जित है, अभी थोड़ा रुक करके अंदर घुसिए। वो मशीन रखा हुआ था अपना, वो बोले एक लड़का को, हाँ साउंड सिस्टम रखा होता उसको बोल करके, और बोले कि सारा साउंड सिस्टम उठा करके ले चलो। अब मैंने उनको बोला कि अभी साधना पूजा चल रहा है, इसके बाद फिर अंदर जाइए, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी और जूता पहने हुए खुद ही अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ से साउंड सिस्टम पूरा खोल के अपने खुद से उठा करके और लेके जाने लगे। लाख मना करने के बाद भी हमारे साथ धक्का मुक्की भी किए, वो मुझे धक्का दिए और कुछ शब्दों का भी प्रयोग किए। रामपुर के फिजिकल ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजन किया गया और इस दौरान 1752 जोड़ों की उनके धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी कराई गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में सांसद धनश्याम सिंह लोधी, जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, CDO नंद किशोर कलाल और समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वही सांसद धनश्याम सिंह लोधी ने शादी के बंधन में बंधे वर वधु को आशीर्वाद दिया और उपहार भी दिए। मुश्किल से इधर उधर से बेचारे लोग उधार लेकर कर्ज लेकर शादियां करते थे गरीब बेचारे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सामूहिक शादी का कराने का एक निर्णय लिया और उसके तहत ये शादी हमारे जनपद रामपुर में आज हो रही है और 1752 जोड़ों की शादी आज हो रही है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहले शादी तो होती थी, अनुदान मिलता था, लेकिन
जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिलता था। हमारे पास भी सूची आती थी कि 10 नाम आपको चयन करना है, 10 आपको करना है, 10 आपको करना है, तो उसमें ये होता था जो गरीब था वो छूट जाता था और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो उनका अपना होता चाहता होता था उसकी शादी का अनुदान मिल जाता था। विवाह में समान में बांटा जा रहा है, लाभार्थियों ने कहा है कि कुकर नहीं दिया जा रहा, क्या कारण है? इसमें ये है कि पूरा सामान हमने मंगा रखा है और सब सामान दिया भी है, केवल एक चीज इसलिए छोड़ रखी है कि दोबारा से हम 2 दिन बाद जाके रैंडम वेरिफिकेशन कराएंगे और उनको घर पे पहुंचाएंगे कि भाई जिस लाभार्थी ने शादी करी है वो वाकई सही है, उसके आस पड़ोस वालों को पता है कि नहीं है, जिससे कि बाद में भ्रांतियाँ ना पैदा हों कि इन्होंने गलत शादी की या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें। पात्र की पहचान करने के लिए रोका जा रहा है, बिल्कुल। सामान में क्या क्या दिया जा रहा है? सामान में देखिए एक ट्रॉली बैग होता है, चांदी के पायल बिछुआ होते हैं, एक बैनर टिकट होता है जिसमें श्रृंगार का सारा सामान होता है, लड़की के लिए 2 साड़ियाँ होती हैं, मुस्लिम हो तो उसके लिए सूट होते हैं, और इसके अलावा डिनर सेट होता है, प्रेशर कुकर है, ये सब सामान है, और बाकी एक हॉट केस रोटी रखने वाला वो अलग से दिया जा रहा है। तो आज कितनी शादी हुई है? आज लगभग 1750 का यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ है और अब एक्चुअल स्थिति थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी कि कितने लोग अनुपस्थित भी रहे हैं। ठीक है। मिर्जापुर जिले के सभी थानों में समाधान दिवस पर 2 लेखपालों के अलावा SDM तथा विंध्याचल थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई। थाना समाधान दिवस में नहीं आने पर जिलाधिकारी ने 1 लेखपाल का 1 दिन का वेतन रोक दिया और इसके अलावा जिलाधिकारी ने शिकायत की गुणवत्ता पूर्ण निपटारा नहीं होने पर SDM सदर, विंध्याचल थाना अध्यक्ष और 1 लेखपाल से स्पष्टीकरण भी मांगा है। रजिस्टर में कमी मिलने पर भी अधिकारी ने विंध्याचल थाना अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है और आपको बता दें कि 2 लेखपालों के अलावा SDM और विंध्याचल थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। दिवस में थाना समाधान दिवस के अंतर्गत विंध्याचल थाने का भ्रमण किया गया था, जहां पर शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी गई और विगत जो समाधान दिवस था उसकी शिकायतों का अवलोकन भी किया गया, शिकायत निस्तारण का, जिसके क्रम में पाया गया कि कुछ शिकायतों का जो निस्तारण है वो असंतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण नहीं था, जिसके क्रम में जो दोषी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी थे उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनका जो शिकायतें हैं उनका पुनः गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक संबंधित लेखपाल जिन्होंने विगत समाधान दिवस की शिकायत का निस्तारण नहीं किया था और उसके बारे में उनको संज्ञान भी नहीं था, तो उनकी इसी उपेक्षा को लेकर उनका 1 दिन का वेतन भी अवरुद्ध किया गया है। एक तरफ सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वही जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में बागी के मार्ग के पास एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए युवक को कुचल दिया है, वही घटना स्थल पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, वही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आजमगढ़ के बरदेह क्षेत्र में पूर्व प्रधान की हत्या करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से घात लगाकर हत्या की तैयारी में थे, इसमें एक महिला का हाथ था। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध असलाह, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किया है, वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी COVID-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर